ये बात मेरी और आपकी फैमिली के बीच की है। अगर कोई माफी मांगेगा तो मैं मांगूंगा। I'm really sorry, आंटी। मयंक मेरा मंगेतर है, पर काम मंगेतर वाले नहीं मॉनिटर वाले कर रहा है। गलती हुई तो सीधा क्लास टीचर के पास सॉरी मंगवाने ले गया। मेरी साइड लेना तो दूर, इसने तो ये भी नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या था। आज अगर नाम तीन बंदा मिल नहीं होता तो मुझे सरला आंटी के पांव छू के माफी मांगनी पड़ती। मैं मुझे आपसे कोई बात नहीं। तुम क्यों हो? आप क्यों थैंक यू कह रहे हैं? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप आए। क्यों? तुमने भी तो सोनू की सारी गलती का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। तुम्हें भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों किया? बात सोनू ने शुरू की थी, तो अगर गलती थी तो दोनों की थी। बट शी डिड ओन अप एंड एक तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आप अपनी हाईफाई इंग्लिश लेकर आ गए। सीधे सीधे बोलिए ना, ओन अप मतलब क्या? ओन अप का मतलब सोनू ने अपनी गलती नहीं मानी और तुमने दोनों के हिस्से की गलती अपने ऊपर ले ली। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया इश्की? कि सरला आंटी एक चलता फिरता सुतली बॉम्ब है और मैं नहीं चाहती थी कि वो सुतली बॉम्ब सोनू के ऊपर फट जाए। थैंक यू सो मच। और आपने जो किया उसके लिए भी थैंक यू। सबने मुझे घर तोड़ने वाली लड़की समझा। मेरी अपनी सोच है, अपने ख्याल है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझ में फैमिली वैल्यूज नहीं है या फिर मैं कोई घर तोड़ने वाली लड़की हूँ। जो लड़की बिना गलती के माफी मांग ले वो एक होम ब्रेकर कैसे हो सकती है? Here you are. आहान, खैर तूने माफी क्यों मांगी? गलती तो इसी की थी ना। गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, सॉरी किसे बोलना चाहिए किसे नहीं बोलना चाहिए, ये अगली बार डिसाइड करने से पहले मुझसे पूछ लेना मयंक। पर तीन फैमिलीज को शर्मिंदा होना पड़ रहा था आहान। मयंक तीन फैमिलीज नहीं, चार। तो इश्की की फैमिली को भूल गए? मेरी, आहान और सरला आंटी, इन तीनों फैमिलीज को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। थैंक यू। इट्स ओके। आपसे नहीं, इनसे कहा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।